पैदा की जा सकती हो। इसलिए अन्नदाता कहा जाता है हमसे, इसलिए अन्न का भगवान, अन्न किसान भगवान कहा जाता है। लेकिन अब तो भगवान नहीं हो गया किसंटा, और सारे राजनेता और उद्योगपति इसको समझते हैं मक्खी और मच्छर। हमारा ऐलान है, इसको मक्खी मच्छर मत समझो। किसी दुर्घटना में यदि किसान मर जाए, हमारी मांग है, तो उसकी पत्नी और परिवार और बच्चों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा, 10-20 लाख से इसमें कुछ नहीं होता है, 5-5 लाख रुपया हम जिनको हम चुनते हैं, सांसद बनाते हैं, पूरे देश से चुन चुन के भेजते हैं, 5-5 लाख रुपया उनका वेतन भत्ता बन जाता है। और इस किसान का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखो, यदि ये मर जाता है किसी कारणवश, किसी दुर्घटना से, तो इसकी पत्नी को 1 करोड़ रुपया दे दो, जीवन यापन कर लेगी। और पुलिस विभाग सरकार के द्वारा बनाया हुआ होता है हर प्रदेश में, और वो डकैतों द्वारा या किसी कारणवश एक्सीडेंट द्वारा यदि मरता है तो वो पढ़ा लिखा होता है हमसे ज्यादा, इसलिए उसकी पत्नी बच्चों को 2 करोड़, ये हमारी मांग है, ये भानु प्रताप सिंह की मांग है और भारतीय किसान यूनियन भानु की मांग है। और इस तरह की मांग कोई किसान संगठन नहीं उठाता, ये हम उठा रहे हैं। और हम आप सब देखो कितने ठाट से यहां बैठे, लेकिन एक के कारण कर्जदार हो गया है, उस कर्जे को माफ कर दो, एक तो किसान बचेगा और किसान आत्महत्या नहीं करेगा। यदि उद्योगपतियों की ही सुनी जाएगी, किसानों की नहीं सुनी जाएगी, तो फिर यह देश विश्वगुरु कैसे हो जाएगा? 80% जनसंख्या है मजदूरों की, किसानों की, लॉकडाउन में नहीं देखा था आपने सड़कों पे बिहार के मजदूर, बिहार के किसानों के बेटे मजदूर बन गए हैं। अब वो 900 किलोमीटर से पैदल चल रहे थे, ऊपर रखे थे अपना बिस्तर और फिर चल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पैदल चल रहे थे, सड़क पे बीमार हो रहे थे, रेल उनको काट रही थी, रेल में ही मर रहे थे और सड़क पे ही बच्चा पैदा हो रही थी। ये दुर्दशा देखकर हमारी आत्मा रोती है। इसलिए अब तो हमने निर्णय कर लिया है, अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से हम कहते हैं कि हमारी सारी मांग पूरी करो, 60 साल तक किसान और मजदूर आपकी सेवा करता है, और 60 साल उम्र होने के पूरी होने के बाद हम चाहते हैं एमएलए एमपीओ को हारने के बाद देश में पेंशन दी जाती है, हम चुने और वो हार जाएं, गलत काम करें तो हार जाएं, लेकिन उसके बाद भी उनको पेंशन। तो 60 साल पूरी करने के बाद आप लोगों को भी, मजदूरों को भी, जो वोट डरा है उसको, सबको, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, केवल 10,000 केंद्र सरकार के द्वारा सारा डेटा है, लिखापढ़ है, सारे नौकर हैं, ब्लॉक से लेकर, सेक्रेटरी से लेकर और प्रदेश और देश तक सारा डेटा पहुंच सकता है। 10,000 रुपए महीने 60 साल पूरी करने के बाद हर मतदाता को पेंशन दी जाए। जो पेंशन पा रहा है, नौकरी कर रहा है या कोई बड़ा आदमी है, वो तो अलग है, लेकिन गरीब किसान मजदूर फिर उसको रोटी नहीं मार पाती है, बिलखते हैं। आप फोटो में देखते होंगे, टीवियों में देखते होंगे क्या हालत हो रही है उस किसान की, मजदूर की, गरीब की, बिल्कुल सूख रहा है, उसका पेट पीठ से चिपक जाता है। तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। अब तो हमारी सरकार भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाली है, तो भगवान राम की कथा में तुलसीदास ने तो लिखा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो दया आनी चाहिए उन किसान मजदूरों पे। अब केवल राजनेता और केवल उद्योगपति अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी ये ही रहेंगे पैसे वाले, तो मैं आपसे साफ कह रहा हूं,